में एक घटना हुई थी। यहां पर जमशेदपुर शहर में एक फल विक्रेता था जो इस तरह का अपनी दुकान लगाकर बैठा है फल बेचने के लिए। इसकी दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा है विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल दुकान। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हिंदू परिषद के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तो इस पोस्टर की फोटो खींचकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। झारखंड पुलिस से रिक्वेस्ट करी कि इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और झारखंड पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में ये पोस्टर्स हटवा दिए। झारखंड पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि आप इस तरह की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करते जो दुकानों के बाहर लिखते हैं यहां पर हलाल मीट मिलता है या फिर यहां हलाल खाना मिलता है, तो वाई इज दैट ओके एंड वाई इज दिस नॉट ओके। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हलाल का मतलब क्या होता है, तब आप इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को भी समझ पाओगे। और पहले पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद कमेंट करना, अभी से कमेंट करना शुरू मत कर देना। तो पहली चीज, हलाल शब्द का मतलब क्या है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है सिंपली परमिसेबल या फिर लॉफुल, यानी कि जो अलाउड है। सरल भाषा में कहें तो हलाल का मतलब जिसकी अनुमति है और हराम का मतलब जो निषेध है। हराम शब्द तो इनफैक्ट काफी कॉमन हो चुका है, हिंदी का ही अब शब्द बन चुका है। हिस्टोरिकली हलाल एसोसिएट किया जाता है डाइटरी लॉज के साथ, यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनसे रिलेटेड कानून, और उसमें भी मेनली जो मीट होता है, यानी कि जब जानवर को मारकर उसका मीट खाया जाता है तो उसको कैसे मारा जाए, किस तरह से वो मीट तैयार किया जाए, उससे रिलेटेड जो कानून है इस्लाम में, जो कुरान में लिखे गए हैं, उनके बारे में हलाल टर्म डिनोट करता है, उससे रिलेटेड है ये टर्म। तो खाने पीने से संबंधित कुछ वस्तुएं हराम हैं, कुछ हलाल हैं। तो जो हराम है पहले उनके बारे में बात करते हैं। कुरान के कई वर्सेस ये बताते हैं कि इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है। सबसे पहला है अल्कोहल, यानी शराब और उससे बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट है वो अलाउड नहीं है। दूसरा, एनिमल डाइंग बाय इटसेल्फ, तो अगर आप कहीं जंगल में गए और मरा हुआ जानवर मिला तो उसका मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता। तीसरा, ब्लड एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स, यानी खून का सेवन नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब हलाल तरीके से जानवर को मारा जाता है तो ये कोशिश होती है कि जानवर के शरीर में कम से कम ब्लड रहे। चौथा, पॉर्क, यानी कि सुअर का मीट नहीं खाया जा सकता, कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। पांचवा, एनी मीट नॉट स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन, यानी अगर कोई भी जानवर इस्लामिक ट्रेडिशन यानी हलाल तरीके से अगर नहीं मारा गया है तो उसका सेवन नहीं कर सकते। उसके बाद हलाल प्रैक्टिसेस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, मोस्टली ये प्रैक्टिसेस जानवर को मारने से संबंधित हैं कि किस तरह से उसका स्लॉटर किया जाएगा। तो पहला रूल तो ये है कि जानवर को मारने का अधिकार केवल एक मुस्लिम व्यक्ति को है जो इस्लाम को फॉलो करता है। हालांकि कुछ जगह इसका एक्सेप्शन भी है, ये भी लिखा गया है कि जू या क्रिश्चियन, बेसिकली इब्राहिमिक रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग अगर स्लॉटर करते हैं देन ऑल्सो इट इज ओके, लेकिन बाकी सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि जानवर को मारने के लिए एक तेज धार का चाकू इस्तेमाल किया जाए या कोई भी ब्लेड इस्तेमाल करी जाए और उससे जानवर का गला इस तरह से काटा जाए कि उसका सर धड़ से अलग ना हो, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जुड़ी हुई रहनी चाहिए लेकिन गला इस तरह से कटे कि उसकी श्वास नली और साथ ही साथ जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं वो कट जाएं, और उसके बाद जो ब्लड है वो धीरे धीरे ड्रेन हो जाता है कुछ मिनटों में, तो वो खून पूरा शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए और उसके बाद ही उसे आगे स्लॉटर किया जाता है, उसे आगे तैयार किया जाता है। जब ये स्लॉटरिंग करी जा रही है, जब ये पूरा प्रोसेस होता है, उस वक्त जानवर को ब्लेस करना होता है और फाइनली कोई भी ऐसा जानवर जो पहले से मृत है उसका मांस नहीं खाया जा सकता है, उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उसे हलाल मेथड कहते हैं और इसमें जानवर का आधा गला काटा जाता है। कुछ इसी तरह का मेथड, सिमिलर मेथड होता है ज्यूज़ में। ज्यूज़ में हलाल की जगह शब्द इस्तेमाल होता है कोशर, तो कोशर और हलाल मोस्टली सिमिलर है लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और ये दोनों तो एक तरह से रिलीजियस तरीके हैं स्लॉटर के, और एक नॉन रिलीजियस मेथड और होता है जिसके अंदर सबसे पहले जानवर को बेहोश कर दिया जाता है। तो मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं उनमें यही तरीका यूज होता है, एक स्टन गन या फिर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पहले जानवर को बेहोश करके फिर उसे मारा जाता है। तो ये तो बात थी हलाल तरीके से जानवर को मारने की और मीट से संबंधित। ज्यादातर एशियन कल्चर्स में ये ट्रेडिशन है कि जो भी मीट कंज्यूम किया जाता है वो या तो लोकल वेट शॉप से लिया जाता है, अपने आसपास की दुकानों से ही लोग लेते हैं या फिर खुद स्लॉटर करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये मीट हलाल है या नहीं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जनरली जहां पर अब प्रोसेस्ड फूड या फ्रोजन फ्रूट्स का चलन बढ़ चुका है तो वहां पर फ्रोजन मीट या चिकन यूज किए जाते हैं, तो वहां पर हलाल सर्टिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर मीट में तो काफी आसान है हलाल पता करना है या नहीं, लेकिन आज 21वीं सदी में हमारी डाइट में केवल मीट शामिल नहीं है। अब आजकल हम इस तरह के प्रोडक्ट्स खाते हैं जिनमें हमें शायद नहीं मालूम होता कि क्या इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप कहीं बाहर गए और ये आइसक्रीम खाने बैठे हैं, अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर कोई सिरप यूज किया गया है, क्या उसके अंदर कुछ अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है, क्या इसके अंदर कोई एनिमल फैट है आइसक्रीम के अंदर। तो इसीलिए हलाल सर्टिफिकेशन की काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप सुपरमार्केट से खरीदते हैं उनमें इस तरह की चीजें होती है जैसे कि एनिमल फैट, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एमल्सीफायर्स, एंजाइम, फ्लेवरिंग्स, जिलेटिन, ग्लिसरिन, विटामिन्स,
और ये सभी कई फूड प्रोडक्ट्स में ऐड होते हैं और इनके सोर्सेस अलग अलग हैं। जैसे कि ग्लिसरिन जो है, जेलेटिन है, ये आता है एनिमल फैट से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर जो ग्लिसरिन या जेलेटिन है वो पिग फैट से आता है। तो अब ये पिग फैट हलाल है या नहीं, ये सर्टिफाई करने के लिए ये सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो अगर जैसे ये डब्बे पे लिखा हुआ है हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेशन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पिग फैट यूज़, यहाँ पर जो फैट यूज़ किया गया है वो पिग से नहीं आया होगा, किसी और जानवर से आया होगा जो हलाल तरीके से मारा गया। तो आज के ज़माने में हलाल सर्टिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट हमारे सामने है। केवल एक मीट ही कंज्यूम नहीं करते लोग, उसके अलावा भी कई प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जितने भी खाने पीने की प्रोसेस्ड वस्तुएं हैं, बेसिकली जो आप दुकान में जाकर खरीदते हैं पैकेट में, उन सभी वस्तुओं पर एक निशान होता है, वो होता है FSSAI का निशान, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती है। भारत में और पूरी दुनिया में कई जगह ऐसी बॉडीज हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं, तो इस्लामिक कंट्रीज में मोस्टली गवर्नमेंट इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन भारत में नहीं है। तो भारत के अंदर लगभग 12 ऐसी संस्थाएं हैं जो ये सर्टिफिकेशन देती हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस आर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमियत उलेमाए महाराष्ट्र, जमियत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट। तो कुछ मेजर मैंने आपको नाम बताए हैं, लेकिन ये अकेले नहीं है, लगभग 12 ऐसी बॉडीज़ हैं। तो ये सभी थर्ड पार्टी अथॉरिटीज़ हैं, थर्ड पार्टी बॉडीज़ हैं जो ये सर्टिफिकेशन देती हैं। और ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन आप गए और आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आप मेकेन जैसा कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप जानते हो मेकेन ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनको आप डायरेक्टली फ्राई करके खा सकते हैं, अगर आप चिकन नगेट्स बेच रहे हैं, अगर आपको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको अपने स्लॉटर हाउस से लेकर पैकेजिंग तक पूरा जो प्रोसेस है वो ऑडिट करवाना होगा, इंस्पेक्ट करवाना होगा इन संस्थाओं के द्वारा। वो ये देखेंगे कि हलाल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही या नहीं, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये कुछ संस्थाएं हैं, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, और इनका ये निशान जो है, ये लोगो, ये आपको कई फूड प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलेगा। एक और है हलाल इंडिया, ये वाला लोगो भी आपको कई फूड प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलेगा। और कई रेस्टोरेंट्स, आई वुड से मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स टुडे इन मेट्रो सिटीज हलाल सर्टिफाइड होते हैं। भारत के कई रेस्टोरेंट्स और ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल चेन्स हैं वो सभी हलाल सर्टिफाइड हैं। लास्ट ईयर इसको लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, जब मैकडॉनल्ड्स से लोगों ने पूछा था कि क्या आप हलाल सर्टिफाइड मीट देते हैं अपने बर्गर्स में, तो मैकडॉनल्ड्स ने कहा जी हाँ, हमारे सारे रेस्टोरेंट जो भारत में हैं दे आर ऑल हलाल सर्टिफाइड। तो खाने पीने की वस्तुओं के अलावा आज हलाल सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि दवाइयों को भी सर्टिफाई कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स को भी सर्टिफाई किया जा रहा है। इनफैक्ट सर्विस इंडस्ट्री, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयर केटरिंग, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स तक को हलाल सर्टिफाई किया जा रहा है। हलाल इंडिया की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स और फार्मा दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर एनिमल बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है। उदाहरण के तौर पर परफ्यूम्स में भारी मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, लिपस्टिक्स और लिप बाम जैसे प्रोडक्ट्स में फैट इस्तेमाल होता है और कईयों में पिग फैट यूज़ होता है। मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर तो कई तरह के एनिमल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब यहाँ पर मैं लिस्ट भी नहीं कर सकता, इतने ज़्यादा होते हैं। और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी कई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिराइव होते हैं एनिमल प्रोटीन से या फिर एनिमल सोर्स से। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है अमारा, वो सिर्फ हलाल कॉस्मेटिक्स के अंदर डील करती है। तो देर आर स्पेसिफाइड कंपनीज नाउ विच केटर ओनली टू हलाल कॉस्मेटिक मार्केट, और ये मार्केट बहुत बड़ा है। $16 बिलियन $16 का था 2015 में, और 2025 तक ये $50 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है। अब दुनिया में ऐसी कई कंपनियां हैं और भारत में भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं बेचती हैं, उनका स्लॉटरिंग से या फिर मीट से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर भारत की एक कंपनी है पीपी फूड्स महाराष्ट्र में, ये मेनली अनाज यानी चावल को प्रोसेस करके बेचती है, तो बहुत बड़ी फर्म है। तो ये कंपनीज भी हलाल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करती हैं और काफ़ी प्रोमिनेंटली अपने मार्केटिंग वगैरह में इसे डिस्प्ले करते हैं। जैसे उनकी वेबसाइट पर काफ़ी प्रोमिनेंटली ये सर्टिफिकेट डिस्प्लेड था। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है, प्योरली इकोनॉमिक रीज़न। जिसको एक्सपोर्ट करना है इस्लामिक कंट्रीज़ को और मार्केट में पकड़ बनानी है, उन्हें ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में इस्लाम को फॉलो करने वाले 1.8 बिलियन लोग हैं, दैट इज़ अबाउट 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ में ये नेसेसरी है कि अगर आप कोई खाना या प्रोसेस्ड फूड बेसिकली बेच रहे हैं तो उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो यही रीज़न है कि दुनिया भर में सभी कंपनियों में एक होड़ लगी हुई है कि हलाल सर्टिफिकेशन ले लो, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को दुनिया के अगर आपको सर्व करना है, उस मार्केट में अपने पैर जमाने हैं, तो ये सर्टिफिकेट ज़रूरी हो चुका है। एक एस्टिमेट के अनुसार दुनिया का 19% जो फूड मार्केट है इस वक्त वो हलाल फूड मार्केट है, यानी दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। आप देखेंगे 24% आबादी और लगभग 20% मार्केट शेयर जो है वो हलाल फूड का है।
और रिसेंटली एक और ट्रेंड ये देखा गया है कि हलाल एक लाइफस्टाइल चॉइस बनता जा रहा है। जैसे अब कई लोग ऐसे हैं जो केवल ऑर्गेनिक खाना प्रेफर करते हैं, तो चाहे वो सब्जी हो या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, दे विल ऑलवेज गो फॉर ओनली ऑर्गेनिक। तो वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटीज में कई ऐसे लोग हैं जो केवल हलाल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, चाहे वो चाय हो या फिर चाहे वो चावल हो। तो एवरीथिंग शुड कैरी अ हलाल स्टिकर। तो ये एक लाइफस्टाइल चॉइस भी बनती जा रही है और सारी कंपनीज इस पे कैश इन करना चाहती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर की है और लगातार 6-7% ग्रोथ रेट इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस इकोनॉमिक फैक्टर का उदाहरण मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। भारत की एक कंपनी है ITC जो कि आशीर्वाद आटा बेचती है, और कल सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हो रहा था जिसमें इस आटे के पैकेट के ऊपर, जो गेहूं का आटा है, उस पर हलाल लोगो लगा हुआ था। लोग सवाल उठाने लगे कि अब आटे के अंदर कैसा हलाल और कैसा हराम, इस लोगो की क्या आवश्यकता है। लेकिन ITC कंपनी ने कल ये स्पष्ट किया कि ये जो पैकिंग है ये भारत में नहीं बेची जाती है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए पैक किया जा रहा है और ये कहीं बाहर के देश का फोटो है जो भारत में लोग वायरल कर रहे हैं। तो ITC ने आज इसको क्लैरिफाई भी किया है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी आशीर्वाद आटा ही खरीदता हूँ, तो मैंने खुद ये पैकेट चेक किया, मेरे घर में जो था उसके ऊपर कोई हलाल का लोगो नहीं था। तो इस तरह के जो वायरल फोटोज़ हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके बहकावों में आप मत आया कीजिए तुरंत, एंड ट्राई टू सर्च अ लिटिल बिट डीपर या लुक फॉर प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ एंड देन बिलीव समथिंग। मैंने आपसे कहा था कि हलाल कैसे एक लाइफस्टाइल कल्चर का पार्ट बनता जा रहा है, उसी का एक एग्जांपल है हलाल टूरिज्म। तो दुनिया में कई टूरिस्ट एजेंसीज हैं जो हलाल टूरिज्म को मार्केट कर रही हैं। वो बता रही हैं कि हम आपको हलाल हॉलिडे पैकेज देंगे, जहां पर इस तरह के होटल्स या रेस्टोरेंट्स में आपको रुकाया जाएगा, जहां शराब नहीं परोसी जाती है, हलाल खाना मिलता है रेस्टोरेंट्स के अंदर, और इनफैक्ट मेन और वुमेन के लिए अलग स्विमिंग पूल्स या स्पा फैसिलिटीज भी हैं। तो इट विल बी अ हलाल टूरिस्ट हॉलिडे। तो ये भी एक उभरता हुआ ट्रेंड है। फाइनली हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज भी हैं। पहला मुद्दा ये कि कंपनीज की कॉस्ट इसके कारण बढ़ जाती है। अब ये इंक्रीज कॉस्ट क्यों होती है, क्योंकि सर्टिफिकेट फ्री में नहीं मिलता है। पहली बात तो लंबा चौड़ा ऑडिट होता है, असेसमेंट होता है, उसके लिए ये सर्टिफिकेशन एजेंसीज भी पैसा लेती हैं, और प्लस आपको अपने कुछ प्रोसेसेस चेंज करने पड़ेंगे, उनके एडिशनल खर्चे आएंगे। तो कुल मिलाकर आप अपने 20-25% कस्टमर बेस को केटर करने के लिए 100% कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट की MRP बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट कंपनी तो बेयर करेगी नहीं, अल्टीमेटली तो ये कस्टमर्स को ही देना पड़ेगा। आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए, हलाल मीट की जो रेट होती है वो थोड़ी सी हायर होती है कंपेयर टू नॉन हलाल सर्टिफाइड मीट, ठीक है, किसी भी सुपरमार्केट में जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये जो इंक्रीज कॉस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई कंपनी केवल एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेट से गल्फ कंट्रीज में, तो वो ये इंक्रीज कॉस्ट आसानी से बेयर कर लेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर वो उसे ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। लेकिन अगर भारत में वो कोई कंपनी सेल कर रही है तो फिर ये इंक्रीज कॉस्ट गलत है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भेदभाव का। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन बिजनेस मॉडल है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। मान लो कि कोई स्लॉटर हाउस है जहां पर जानवर मारे जाते हैं, मीट प्रोसेस होता है, तो वहां पर हलाल सर्टिफिकेट मेंटेन करने के लिए केवल मुस्लिम्स को नौकरी दी जा सकती है, क्योंकि स्लॉटर जो एक्चुअल स्लॉटर है वो मुस्लिम्स ही करेंगे, या फिर प्रोसेसिंग के अंदर मुस्लिम्स को ही नौकरी पर रखा जा सकता है। अगर नॉन मुस्लिम वहां पर कोई हायर किया गया तो फिर वो हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो यहां पर मुस्लिम्स के अलावा बाकी धर्मों के प्रति ये डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस मॉडल है। अब ये हर इंडस्ट्री में नहीं है, मे बी फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक्स में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जो मीट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ये जरूर डिस्क्रिमिनेटरी मॉडल।